वेलकम डियर स्टूडेंट्स, इंडिया टेक फैमिली के अंदर आप सभी का फिर से स्वागत है। मैं राहुल, और अभी अभी हमारा जो एडमिट कार्ड है वो हमारे अवेलेबल हो चुका है। अभी मैंने थोड़ी देर पहले एक वीडियो अपलोड की है, उसमें मैंने आपको बताया था कि आपका एडमिट कार्ड आज या फिर कल आपका एडमिट कार्ड वो आपको उपलब्ध हो जाएगा। किसी टेक्निकल एरर के कारण हमारा एडमिट कार्ड वो थोड़ा डिले हुआ है, ठीक है। तो अभी आपका जो एडमिट कार्ड है वो आपकी इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे उपलब्ध हो चुका है, तो आप वहाँ से जाके अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हो। और मैं आपको दिखा देता हूँ किस तरीके से आपको अपना एडमिट कार्ड अब डाउनलोड करना है, और साथ में मैंने आपको बताया भी था कि पहले आप किस तरह से अपने जो पासवर्ड है उन्हें फॉरगेट कर सकते हो। अगर अभी तक आपने नहीं देखा है किस तरीके से आप अपना आईडी और पासवर्ड फॉरगेट कर सकते हो, तो मैं उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, और यहाँ पे आई बेल पे भी आपको उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हो, ठीक है। और चलो बढ़ते हैं हमारी वीडियोज की तरफ और बढ़ते हैं हमारी इन्फॉर्मेशन की तरफ। तो सबसे पहले आपको मैं ये बात और बता दूँ, पेपर वन और पेपर टू इन दोनों का एडमिट कार्ड आपको, दोनों का अलग अलग एडमिट कार्ड, दोनों को अगर आपने दोनों फॉर्म फिल किए हैं तो आपको अलग अलग देना पड़ेगा, अलग अलग एडमिट कार्ड डाउनलोड करना पड़ेगा, सॉरी, ठीक है। तो इनका जैसे आपका पेपर वन और पेपर दोनों का आपको अलग अलग एडमिट कार्ड डाउनलोड करना होगा, इन्होंने यहाँ पे दिखाया हुआ है। तो कैसे तरीके से करना है वो मैं आपको भी दिखा देता हूँ। तो जैसे ये डाउनलोड का ऑप्शन पे आप क्लिक करते हैं तो यहाँ देखिए आपको ऑप्शन आ गए हैं। तो यहाँ पे आपको देखिए दोनों ऑप्शन देखने को मिल रहे हैं, डाउनलोड एडमिट कार्ड थ्रू एप्लीकेशन नंबर एंड पासवर्ड, और डाउनलोड एडमिट कार्ड थ्रू एप्लीकेशन नंबर एंड डेट ऑफ बर्थ, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने काफ़ी अच्छी बात कर दी है, अगर आप अपना पासवर्ड भूल गए, ठीक है, अगर आप अपना पासवर्ड भूल गए हैं तो भी अपना एडमिट कार्ड आप अपनी डेट ऑफ बर्थ से भर सकते हैं। अगर आप अपने एप्लीकेशन नंबर भूल गए हैं तो उसे किस तरीके से आप फॉरगेट कर सकते हैं वो भी मैंने आपको बताया हुआ है। तो चलो किस पे क्लिक करते हैं, हम किसी एक ऑप्शन पर क्लिक करते हैं, मान के हमने पासवर्ड वाले पे क्लिक किया, और जैसे हम इस पर क्लिक करते हैं तो एक नया पेज खुल के आता है, और यहाँ पे देखिए क्या यहाँ पे आपको अपना एप्लीकेशन नंबर, पासवर्ड और यहाँ पे अपना सिक्योरिटी पिन एंटर करना है, जो यहाँ पे सिक्योरिटी पिन शो हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ से आप अपना पासवर्ड और एप्लीकेशन नंबर भर के अपना एडमिट कार्ड है उसे डाउनलोड कर सकते हो। अगर आप अपना पासवर्ड भूल चुके हैं या फिर अपना एप्लीकेशन नंबर भूल चुके हैं तो यहाँ से आई कैन नॉट एसेस माई अकाउंट, इस पर क्लिक करने के बाद आपको इस तरीके का पोर्शन देखने को मिलेगा। यहाँ पे अगर आप अपना पासवर्ड भूले हैं तो इस पर क्लिक कीजिए, अगर आप अपना एप्लीकेशन नंबर भूलते हैं तो यहाँ पे क्लिक कीजिए और आपका लॉगिन हो जाएगा, और वहाँ से फिर आप जैसे फॉर एग्जांपल मैं पासवर्ड पे क्लिक करता हूँ और कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पे देखिए यहाँ पे तीन ऑप्शन देखने को मिलता है, इनमें से आप अपना क्वेश्चन नंबर है जो आपने क्वेश्चन जब आपने फॉर्म फिल किया था वहाँ पे पूछा जाता है, और या फिर अपने मोबाइल नंबर से रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे आपको एक टेस्ट आएगा उससे वेरीफाई हो जाएगा और अपना पासवर्ड वो वेरीफाई कर सकते हो, दोबारा से एंटर कर सकते हो। और थर्ड ऑफ है आपके पास ईमेल आईडी से आप अपना उसे रजिस्टर करके अपना जो रजिस्टर्ड ईमेल आईडी आपने वहाँ पे एंटर की थी उससे भी। तो ये पूरी अच्छी तरीके से मैंने आपको बताया भी था एक वीडियो के अंदर, उसका लिंक आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से भी आप जाके इस वीडियो को देख सकते हो, मैंने पूरी अच्छी तरीके से आपको वहाँ पे समझाया है स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। तो अभी ऐसे ही जिसपे किसी एक ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद, कंटिन्यू करने के बाद आपको बस वही चीज़ें इन्फॉर्मेशन यहाँ पे एंटर करनी होगी और आपका जो फॉर्म है वो आपको मिल जाएगा, और आप अपने डेट ऑफ बर्थ से अपना जो एडमिट कार्ड है उसे डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है, अगर आप अपना पासवर्ड भूल गए हो तो, ठीक है। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसी तरीके अपडेट के साथ। आई होप आप सभी का एडमिट कार्ड आपको मिल गया, अगर नहीं मिला तो आप मुझे कमेंट कीजिए अपना अपना एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड, मैं आपको अपना जो और अपना जितना भी मैं जीमेल आईडी आपको नीचे मिल जाएगी, आप उस जीमेल आईडी पे वो एप्लीकेशन नंबर और वो आप अपना पासवर्ड है उसे मेरे उसमें सेंड कर दीजिए, और मैं आपको अपने एडमिट कार्ड की जो पीडीएफ है मैं आपको सेंड कर दूंगा, ठीक है। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, और मैं आप सभी को एक इन्फॉर्मेशन और देना चाहूँगा साथ साथ में, आप अपना जो भी है जो एडमिट कार्ड डाउनलोड करें उसे कम से कम आप उससे दो प्रिंट तो कर ही ले, ठीक है, आपको सेफ्टी के लिए दो प्रिंट एक बार जरूर कर ले। तो थैंक यू स्टूडेंट, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो इस तरीके अपडेट के साथ। कीप लर्निंग एंड कीप वॉचिंग माई चैनल।